नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के 10 MCQ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ठीक है, ऑप्शन ए फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बताइए, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। ओके ओके, नेक्स्ट। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत है? जल विद्युत पावर वाले पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी जल का विभव ऊर्जा, ऑप्शन सी जल की गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी जल की विद्युत रासायनिक ऊर्जा। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत है सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ओके, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ऑप्शन ए गहरा बक्सा, ऑप्शन बी अंधा बक्सा, ऑप्शन सी काला बक्सा, ऑप्शन डी ऊंचाई मापी यंत्र। ठीक है, उड़ान अभिलेखी तकनीकी का नाम क्या है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी काला बक्सा, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है काला बक्सा। अगला क्वेश्चन। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी थैलियम। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलिकॉन। ठीक है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए कार्ल बेंच, ऑप्शन बी सर फ्रैंक फेटल, ऑप्शन सी थॉमस सेवरी, ऑप्शन डी माइकल फैराडे। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। ओके, देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी सर फ्रैंक फेटलर फेटल। सर फ्रैंक फेटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र? फिर से, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी अस्त्र। चलिए
10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? क्या था? अस्त्र, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, ऑप्शन ए बर्फ ठोस होती है और पानी तरल, ऑप्शन बी बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से अपेक्षाकृत कम होता है, ऑप्शन सी बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है, ऑप्शन डी बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी है। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बर्फ इसीलिए पानी में तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। ओके, एल्फ्रेड नोबेल को पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार में मिली? ठीक है, फिर से, एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार में मिली थी? ऑप्शन ए स्टीम इंजन, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल्स, ऑप्शन सी डायनामाइट, ऑप्शन डी टेलीफोन। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर, सही उत्तर है ऑप्शन सी डायनामाइट। एल्फ्रेड नोबेल को पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए डायनामाइट आविष्कार में मिली थी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी डेनिस गेसान, ऑप्शन सी जोसेफ अस्पडीन, ऑप्शन डी पेर्सी एल स्पेंसर। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी जोसेफ अस्पडीन। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ अस्पडीन ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर यू आर राव, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर चिदंबरम, ऑप्शन डी डॉक्टर होमी भाभा। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए पूरा हुआ इस वीडियो के 10 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।